दोस्तों, क्या आपने कभी इस पक्षी को देखा है जिसकी पूंछ बहुत ही लंबी होती है? और क्या आपने कभी इस तोते को देखा है जो बिल्कुल किसी गिद्ध की तरह दिखाई देता है? और क्या आपने कभी इस पक्षी को देखा है जिसे दुनिया में स्वर्ग का पक्षी कहा जाता है? क्यों, सुनकर चौंक गए ना? इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सुंदर और अनोखे पक्षियों से मिलाने वाला हूँ जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, ग्रेट ब्लू टोरैको। दोस्तों, ये पक्षी टोरैको परिवार की सबसे बड़ी प्रजाति है जो कि गिनी और अफ्रीका में पाई जाती है। बात करें इनके आकार की तो ये पक्षी 20 से 30 इंच तक बढ़ सकते हैं। बात करें इनके रंगों की तो इनमें कई रंग होते हैं जिसमें नीला, हरा, लाल और बैगनी रंग शामिल होता है। साथ ही इनके आँखों के चारों ओर चमकीला लाल निशान होता है और सिर पर एक शिखा होती है जो काफी शानदार होती है। ये पक्षी ज्यादातर पेड़ पौधों के पत्तों पर अपना भोजन करते हैं और इस प्रजाति में मादा 2 अंडे देती है जिसे नर और मादा 1 महीने तक सेते हैं। नंबर 9, ब्लैक नेप्ड मोनार्क। दोस्तों, इस पक्षी को ब्लू फ्लाई कैचर के नाम से भी जाना जाता है जो ज्यादातर दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। इस प्रजाति में नर पक्षी के सिर के पीछे काले रंग का पैंच होता है और वहीं मादा के पास काले भूरे रंग के पंख होते हैं। अगर बात करें इसकी खूबसूरती की तो इसका नीला रंग काफी शानदार होता है जो इसे बहुत ही खूबसूरत बनाने के लिए काफी है। अगर बात करें इसके आकार की तो ये 6 से 7 इंच तक बढ़ सकते हैं। साथ ही इनके पास सुंदर पंख और लंबी कांटेदार पूंछ होती है। ये पक्षी तितली, पतंगे, कीड़ों और टिड्डों को अपना शिकार बनाती है और इन पक्षियों का ब्रीडिंग सीजन मार्च से सितंबर तक चलता रहता है। नंबर 8, ग्रेट क्रस्टेड ग्रीव। दोस्तों, इस पक्षी को जलीय पक्षी के रूप में भी जाना जाता है। अगर बात करें इनके आकार की तो ये पक्षी 17 से 20 इंच तक बढ़ सकते हैं। ये पक्षी छोटी मछलियों और दूसरे जलीय जीवों को अपना आहार बनाते हैं। साथ ही ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं क्योंकि ये पानी की गहराइयों में जाने में सक्षम होते हैं। अगर बात करें इनकी खूबसूरती की तो इनके सिर पर नारंगी शिखा और गुलाबी रंग के लंबे पंख होते हैं जो इसे बहुत ही शानदार लुक देते हैं। और अगर बात करें इनके जीवन काल की तो इनका जीवन काल 10 से 15 वर्षों का होता है। नंबर 7, वल्चुअरिन गिनी फॉल। दोस्तों, इस पक्षी को रॉयल गिनी फॉल के नाम से भी जाना जाता है जो कि जेनिया, युगांडा, केनिया और सोमालिया में पाए जाते हैं। बात करें इनके आकार की तो इनकी लंबाई 20 से 24 इंच तक होती है। आपको बता दूं कि इनकी गर्दन और पूंछ भी दूसरे प्रजातियों के मुकाबले थोड़ी लंबी होती है। बात करें इस प्रजाति की तो इसमें मादा नर से थोड़ी छोटी होती है। और अगर बात करें इनके आहार की तो ये पक्षी बीज, पत्तियाँ, फल और हरी कलियों को अपना आहार बनाते हैं। इस पक्षियों का ब्रीडिंग सीजन जून के मौसम में शुरू होता है जो दिसंबर से जनवरी तक चलता है, जिसके बाद मादा 15 से 16 अंडे दे देती है। नंबर 6, रेड नॉप्ड हॉर्नबिल। दोस्तों, इस पक्षी को रिंकल हॉर्नबिल के नाम से भी जाना जाता है जो ज्यादातर सुलावेसी के आइलैंड में पाए जाते हैं। अगर बात करें इनके आकार की तो ये पक्षी 30 इंच तक बढ़ सकते हैं। अगर बात करें इनकी खूबसूरती की तो इसकी पीले रंग की लंबी और घुमावदार चोंच होती है। साथ ही इसके चोंच का निचला हिस्सा और आंखों के चारों ओर नीला रंग होता है और इसका शरीर नारंगी, पंख काले और पूंछ सफेद रंग की होती है। और जो चीज इसे सबसे आकर्षक बनाती है वो है इसके सिर पर मौजूद लाल ताज जो इसे काफी शानदार लुक देता है। वहीं मादा काले रंग की होती है जिसकी आंखें भूरे रंग की होती है। ये पक्षी विभिन्न प्रकार के फलों को अपना आहार बनाते हैं। और अगर बात करें इनके ब्रीडिंग सीजन की तो इनका ब्रीडिंग सीजन दिसंबर से जनवरी तक चलता है। नंबर 5, हार्पी ईगल। दोस्तों, इस पक्षी को अमेरिकन ईगल के नाम से भी जाना जाता है जो ज्यादातर दक्षिणी मैक्सिको, अमेरिका और अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। ये ईगल दुनिया के सबसे ताकतवर ईगल्स में से एक है। अगर बात करें इनके आकार की
तो इनका आकार 20 से 30 इंच होता है। इस प्रजाति में मादा नर के मुकाबले 2 गुना ज्यादा वजनदार होती है। अगर बात करें इनके रंगों की तो इनका पेट सफ़ेद, सिर हल्का भूरा और पीठ गहरे भूरे रंग की होती है। जब ये ईगल अपने पंखों को फैलाते हैं तो इनके पंखों का अंदरूनी पैटर्न भी दिखाई देता है जो काफ़ी शानदार होता है। साथ ही इनके सिर पर भी पंख मौजूद होते हैं जो इनके लिए किसी मुकुट से कम नहीं। नंबर 4, साइमीज फायरबैग। दोस्तों इस पक्षी को डी फायरबैग के नाम से भी जाना जाता है जो ज़्यादातर कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। आपको बता दूं कि ये पक्षी थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। अगर बात करें इसकी खूबसूरती की तो इसके सिर पर लाल और भूरे रंग का एक पैटर्न होता है। साथ ही इनकी लंबी और घुमावदार पूंछ भी होती है। और जो चीज़ इन्हें सबसे खास बनाती है वो है इसके सिर पर लटकती हुई शिखा जो इन्हें बहुत ही आकर्षक रूप देती है। इन पक्षियों का ब्रीडिंग सीजन मई से शुरू होता है और लगातार जुलाई तक चलता रहता है, जिसके बाद मादा 5 से 6 अंडे दे देती है जिसे ये 20 से 25 दिनों तक सेते हैं। अगर बात करें इनके आहार की तो ये पक्षी फल, वेटरबेस और कीड़ों को अपना आहार बनाते हैं। नंबर 3, पेस्क्यूड पैरोट। दोस्तों इस पैरोट को वल्चुअर पैरोट के नाम से भी जाना जाता है जो कि न्यू गिनी और ब्राजील के वर्षावनों में पाए जाते हैं। अगर बात करें इनकी खूबसूरती की तो इसके सिर और पंखों का रंग काला, छाती पर भूरे रंग के स्केलिंग और इनके निचले पैरों का हिस्सा लाल होता है जो इन्हें काफ़ी यूनिक लुक देता है। इस प्रजाति में मादा नर से थोड़ी छोटी होती है, वहीं नर के आँखों के पीछे एक लाल धब्बा होता है जिससे नर को पहचानने में आसानी होती है। अगर बात करें इनके आकार की तो ये 18 इंच तक बढ़ सकते हैं और इनका वजन 700 से 600 ग्राम होता है। ये पक्षी अपने आहार में ज़्यादातर आम और दूसरे नरम फलों को खाना पसंद करते हैं। नंबर 2, लेडी हमरेस्ट पजन। दोस्तों इस पक्षी को रफ पजन के नाम से भी जाना जाता है जो ज़्यादातर चाइना, बर्मा और तिब्बत में पाया जाता है। अगर बात करें इनकी खूबसूरती की तो इनके पास चमकीले पीले पंख और 31 इंच की लंबी और सुंदर पूंछ होती है। साथ ही इनके सिर पर काला और सफ़ेद रंग का शानदार पैटर्न होता है। आपको बता दूं कि पक्षी की इस प्रजाति की सुंदरता को शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि इनकी खूबसूरती अचूक है जिसमें किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं है। बात करें इनके आकार की तो ये 40 से 50 इंच तक बढ़ सकते हैं। और बात करें इनके आहार की तो ये मकड़ी, बांस के अंकुरों और चींटियों को खाकर अपना गुजारा करते हैं। वैसे आपको इस पक्षी की खूबसूरती कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। नंबर 1, बर्ड ऑफ पैराडाइज। दोस्तों इस पक्षी को स्वर्ग का पक्षी कहा जाता है जो ज़्यादातर गिनी और न्यू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं जहाँ ये छोटे मोटे कीड़ों और फलों को खाकर अपना गुजारा करते हैं। आपको बता दूं कि ये पक्षी दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक है। अगर बात करें इसकी खूबसूरती की तो इस पक्षी में बहुत से रंग होते हैं जो इसके पंख फैलाते ही काफ़ी निखर कर दिखते हैं। लेकिन इस प्रजाति में मादाओं को सबसे ज़्यादा सुंदर माना जाता है क्योंकि इनमें रंगों का विभाजन एक पैटर्न के हिसाब से होता है जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन इन मादाओं में एक और ख़ास चीज़ होती है और वो है इनकी लंबी पूंछ जो बिल्कुल किसी वायर की तरह दिखाई देती है। और अगर बात करें इनके आकार की तो ये 10 से 17 इंच तक लंबे होते हैं। वैसे आपको इस पक्षी को देखकर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों ये थे दुनिया के कुछ खूबसूरत और अनोखे पक्षी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।